body glad. मुझे लगता है सांसद नहीं थे और डीएवी स्कूल के डायरेक्टर मैम श्री संतोष महाजन जी से कि हमारे शिष्य अतिथि डिप्टी कमिश्नर कठुआ श्री राकेश मिन्हास जी, मैं निवेदन करूंगा आरएस मार्ग कठुआ के प्रधान श्री विशन भारती जी से और आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री अरुण चौधरी जी से कि राकेश मिन्हास जी को भी पुष्पगुच्छ भेंट कर उन्हें सम्मानित करें। तब जाके कहीं हमने सर पे है तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू हो हो। स्वामी श्रद्धानंद जी के विषय में बताने जा रही हूँ, आशा करती हूँ कि आप सभी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। स्वामी श्रद्धानंद का जन्म 22 फरवरी सन 1856 को पंजाब प्रांत के जालंधर से लेके तलवान ग्राम में एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। उनका बचपन का नाम मुंशी राम विज था। सबसे पहले तो आज हमारा ये जो कार्यक्रम चल रहा है विकसित भारत संकल्प यात्रा, उसी के अंतर्गत यहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित हुआ आर्य समाज स्कूल के ही परिसर में। और सबसे पहले तो हम ये हमारा दायित्व बनता है सभी जिम्मेवार शहरियों का, जिम्मेवार नागरिकों का, कि इसका लाभ हर व्यक्ति तक पहुँचे ये सुनिश्चित कराएं। प्रशासन की ओर से हमें पूरा सहयोग उपलब्ध है। मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी है कि इस पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उधमपुर कठुआ डोडा में और कठुआ ज़िला में भी, जितनी भी मोदी जी की गाड़ी के द्वारा गारंटी की गाड़ी की जो स्कीमें आई थी उनकी लगभग सैचुरेशन पूरी हो चुकी। जितनी किसानों की योजनाएं हैं, किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, आयुष्मान भारत और हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना, थोड़ा बहुत उसमें अभी कुछ मकान बनने बाकी हैं, वो भी जल्द पूरा हो जाएगा। इसके अतिरिक्त कठुआ ज़िला में दो चार जो नई उपलब्धियां अभी हाल ही में हुई हैं, एक तो हमारा होम्योपैथी कॉलेज लगभग 70 करोड़ की लागत से काफ़ी प्रयास के बाद उसको केंद्र से वो राशि उपलब्ध करवाई गई है और आयुष मंत्रालय के अंतर्गत उसका निर्माण होगा। इसके अतिरिक्त आयुर्वेदिक कॉलेज इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के भीतर ज़िले से थोड़ा बाहर है गगवाल में, वो भी शुरू हो चुका है उसका भी काम। और आने वाले समय में कशुरवा की एक विशेषता और भी होने वाली है कि फिशरीज़ का काम यहाँ पर बहुत हो रहा है, मछली पालन का, जो पहले कभी किसी ने ये प्रयोग नहीं किया था। तो मैं बधाई दूंगा अपने कार्यकर्ता साथियों को भी, प्रशासन को भी उनके के सौजन्य से। और मुझे लगता है आने वाले समय में हम जो ट्राउट मछली कश्मीर में पाई जाती थी वो कठुआ से तैयार होकर के बाहर जाएगी। इससे लगातार बढ़ रही है। संविधान के दायरे में जो है 370 का फैसला हुआ है, पिछले दिनों ही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आए थे तो उन्होंने बोला था कि यहाँ से अंग्रेज चले गए तो 370 भी जो है आने वाले दिनों में हम खत्म करके ही दिखाएंगे। नहीं नहीं, आज का जमाना तर्क से बात करने का, किसी ने क्या काम है, कभी किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी भी नहीं करता, हमने देखा होगा विषय पर बात करते हैं व्यक्ति पर। लेकिन जहाँ तक 370 का संबंध है,
मैं तो ये कहूँगा कि एक बहुत बड़ा उपकार किया है मोदी जी ने, ये संविधान की एक विडंबना है, मिस कैरेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मिस कैरेज ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें खुद इसके निर्माता और इसके जो पैरोकार थे प्रोटागनिस्ट पंडित नेहरू इत्यादि लिख करके गए थे कि ये आरजी है, ये अस्थाई है, टेम्पररी है। लेकिन समय गुजरने के साथ साथ उन्हीं के जो आगे जानशीन आए, उन्हें लगा कि इसको बरकरार रखने में हमारा स्वार्थ है, और वो अपनी मान्यता और प्रतिबद्धता को भूल गए। मोदी जी ने वो अधूरा काम पूरा किया जो शायद पंडित जी और उनके आने वाले पीढ़ियों के अनुयायी नहीं कर पाए, और इसमें तो मुझे लगता है कि कोई दो राय नहीं है, तो स्वयं तर्क इतिहास बताता है। विपक्ष ने भी कहा कि आपने कहा था हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन हालात जो लगातार खराब हो रहे हैं, किस तरह देखते हैं? नहीं, ये कहना सही नहीं होगा कि हालात लगातार खराब हो रहे हैं। हाँ, लेकिन हम इस चीज़ को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि रजौरी में कुछ एक इस तरह से चल रहा है, लेकिन उसका संज्ञान ले रहे हैं जो संबंधित हमारी एजेंसी से संबंधित हमारे मंत्रालय हैं, चाहे वो रक्षा मंत्रालय है चाहे वो गृह मंत्रालय। लेकिन अगर आप कश्मीर घाटी में देखें तो इस साल 2 करोड़ पर्यटक आए हैं, यानी हर कीर्तिमान टूटता गया, और यहाँ तक कि पहली बार होम टूरिज़्म कश्मीर घाटी में देखने को मिला, जहाँ पर कि उस तरह का कल्चर नहीं था। लोग आमतौर से लोगों के घरों में नहीं आके अतिथि ठहरते जो बाहर से आते, लेकिन वहाँ इतनी किल्लत हो गई होटलों की तो लोगों ने अपने घर के दरवाजे खोल दिए, और उसी से पता चलता है कि कोई भी जब देश विदेश से आते हैं पर्यटक परिवार लेकर के, बच्चे लेकर के, वो मेरे कहने पर, आपके कहने पर या सरकार के कहने पर नहीं आएंगे, वो अपने सूत्रों से पता करेंगे कि भाई मैं अपने बच्चों को लेकर के जा रहा हूँ भ्रमण करने, छुट्टियाँ मनाने, क्या वहाँ पर सुरक्षा है कि नहीं है, तो अपनी तसल्ली करके। मुझे लगता है हमारे लिए सबसे बड़ा प्रमाण पत्र वही है। लेकिन मुझे इन्विटेशन नहीं दिया गया। फारूक अब्दुल्ला ने ये कहा कि 22 जनवरी राम मंदिर का बुलावा नहीं आया, उनका ये कहना है। क्या कह रहे हैं सर? फारूक अब्दुल्ला जी कह रहे हैं कि 22 जनवरी को डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा मुझे अच्छा लगता है कि राम मंदिर बन रहा है, परंतु मुझे बुलावा नहीं आया।